उत्तराखंड के मसूरी इंटरनेशनल स्कूल में 41वां वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भारत की पहली महिला एडवेंचर बेस जंपर अर्चना सरदाना ने मार्च पास्ट की सलामी ली और खेलों के शुभारंभ की घोषणा की। इस मौके पर छात्राओं के तीनों सदनों ने मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर बेस जंपर अर्चना सरदाना ने कहा कि खेल जहां स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, वहीं मासिक विकास, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। प्रधानाचार्य मीता शर्मा ने कहा कि यहां 27 देशों के बच्चे पते हैं और भारतीय संस्कृति को प्राथमिकता देते हैं। खेलों में सभी प्रतिभाग करते हैं। खबर मसूरी से धनवीर कुमारी। अमेजिंग, यहाँ पे आके जैसे बच्चों का एंथू देख है, जैसे वो लोग कर रहे हैं, जैसे बॉन्डिंग देखी आपस में, बहुत अच्छी है। मैं एडवेंचर की हूँ तो मुझे पता है कि ये स्पोर्ट्स डे या एडवेंचर आपकी लाइफ में क्या प्ले रोल प्ले करता है। ये खाली ये नहीं होता कि बच्चों कर रहे हैं, इससे आपका ऑब्वियसली हेल्थ अच्छी होती है एज वेल एज़ आपकी मेंटल हेल्थ उससे भी अच्छी होती है। जब आप स्पोर्ट्स में हो या आउटडोर एक्टिविटीज़ में हो, वो जज्बा ही कुछ और होता है। मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं और उनमें जज्बा होता है ज़िंदगी से लड़ने का भी। सीखली वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप स्पोर्ट्स डे में स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, आप हारना भी सीखते हो, आप जीतना भी सीखते हो, तो वो आपको एक फॉर्म ऑफ लाइफ आगे की कैसे होती है वो पहले ही आपको प्रिपेयर कर देता है उस चीज़ में। लाइफ यहाँ पर अभी तक तो बोर्डिंग में बच्चे होते हैं, पूरी लाइफ देखनी होती है बाहर, बट आप जब बाहर जाते हो बहुत कुछ देखने को मिलता है। बहुत जगह होते हैं जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, बहुत जगह आप जीतते हो, बहुत जगह आपको हारना भी पड़ता है, तो उसको एक्सेप्ट कैसे करना है, आई थिंक वही ये चीज़ें दिखाता है और सिखाता है। मैम, आज आप मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे हाँ जी, आपने बताया आप एडवेंचर से हैं, तो किस तरह की उपलब्धियाँ आपकी रही हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को? मैं वो करती हूँ जो आदमी बोलते हैं ना कि मैं मौत से भी खेलती हूँ, जैसे होता है ना हमारे इंग्लिश में बोलते हैं यू गो एंड नॉक ऑन द डोर डेथ डोर एंड यू कम बैक। मैं स्काई डाइविंग करती हूँ, मैं इंडिया की ओनली वुमेन बेस जंपर हूँ। बेस जंपिंग होता है जब आप ब्रिजेस से, एंटीना से या स्पैम से जंप करते हो पैराशूट के साथ, तो वो डिफरेंट टाइप का एडवेंचर स्पोर्ट है जो इंडिया में इतना नहीं पता लोगों को। फिर मैं माउंटेनियर हूँ, उसके बाद मैं स्कूबा डाइवर इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं समुद्र के अंदर कहाँ कैसे जाते हैं वो सिखाती हूँ, और वो हमारी एक फाउंडेशन है जो कि हम लोग ऑन मेन लैंड सिखाते हैं, जो कि स्कूल्स जो लोग सी में जाके नहीं सीख। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मीता शर्मा एंड वी आर सेलिब्रेटिंग द 41st एथलेटिक मीट मसूरी इंटरनेशनल स्कूल में। और ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ 27 देशों के बच्चे पढ़ते हैं, सब हिंदुस्तानी है, हिंदू परंपरा पे चलता है, और ये आज हम स्पोर्ट्स डे कर रहे हैं और कल हमारा एनुअल सेलिब्रेशन होगा जो कि हमारा कल्चरल सेलिब्रेशन है, जिसमें एक क्योंकि अयोध्या में अब राम लौट आए हैं तो हमारा जो मेन प्रोडक्शन है वो भी लौट आए राम है, पूरा स्कूल ऑर्केस्ट्रा होगा। आज जो आप स्पोर्ट्स डे में आप देखा, आज हमने जो देखा, वी हैड वेरियस एक्सरसाइजेस विच वर पर्टेनिंग टू देयर हेल्थ एंड देयर मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, एंड सो द गर्ल्स हैव पार्टिसिपेटेड इन वेरियस रेसेस एंड ऑल पॉसिबल कॉम्पिटिशन्स लाइक शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो, हर्डल्स, एंड फॉर द पास्ट 6-7 डेज वी बीन हैविंग हीट्स एंड अदर कॉम्पिटिशन्स, एंड दीज गर्ल्स आर अमेजिंग गर्ल्स। आई एम सो प्राउड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। दिस इज़ अ प्लेस वेयर यू विल नॉट ओनली एक्सेल एकेडेमिकली बट ऑल्सो इन स्पोर्ट्स, यू विल बी
ग्राउंडेड इन द हिंदू ट्रेडिशन, क्योंकि हम एक गायत्री परिवार स्कूल हैं। हर सैटरडे हम हवन करते हैं। कल सवेरे भी 7 बजे हम अपने जो पेरेंट्स 27 देशों से और सारे स्टेट से इंडिया से आए हैं वो भी हमारे साथ बैठ के हवन करेंगे। सो आई एम रियली 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 प्लीज टू सी द डेवलपमेंट एंड ऑल द एफर्ट दैट द टीचर्स हैव पुट इन थ्रू आउट दिस ईयर। मैम कितना जरूरी मानते हैं आप जिस तरह से आज जो चाहेंगे नौजवान? आई थिंक इन टूडेज वर्ल्ड स्ट्रेस एंड स्ट्राइफ हैव इंक्रीज्ड सो मच। इतना प्रेशर, इतना मेंटल इश्यूज हो गए हैं परिवारों में भी। पीपल आर अनेबल टू होल्ड देयर रिलेशनशिप्स, पीपल आर अनेबल टू होल्ड देयर जॉब्स। जब तक टीम वर्क और कोलैबोरेशन नहीं होगा और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये नहीं बच्चे सीखेंगे, तब तक ये किसी भी फील्ड में नहीं ठीक कर पाएंगे। सो आई थिंक फिजिकल फिटनेस इज समथिंग विच विल लीड टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट, एंड ऑल्सो लीड टू देयर मेंटल इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। दे विल बी एबल टू ओवरकम स्ट्रेस, जो कि हम इट्स जस्ट बिकम अनदर वे ऑफ यू नो स्ट्रेस इज जस्ट बिकम अनदर नेचर ऑफ ह्यूमन बींग। बट जब आप खेलते हैं, आप दौड़ते हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जी आपकी निकल जाती है। और जब आपकी स्पर्धा इस प्रकार की होती है कि ये जैसे इस स्कूल में है कि 3 बच्चे एक चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और सभी को प्राइज़ मिलेगा, कोई चौथा नहीं आएगा, वी सेलिब्रेट एवरी अचीवमेंट। तो आई थिंक आज की दुनिया में इंटेग्रिटी सीखना, टीम वर्क सीखना, कोलैबोरेशन सीखना और मिलके बात करना अक्रॉस ईच अदर फेस टू फेस, ना कि मोबाइल पे या डिजिटल मीडिया पे, बहुत ज़रूरी हो गया है ताकि एक इमोशनल कनेक्ट बना रहे और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो सके, जो कि बहुत ज़रूरी है। आजकल आप देखिए पूरे देश में, दुनिया में लड़ाइयाँ हो रही हैं, 2 देश लड़ रहे हैं, जगह जगह पीपल आर फाइटिंग विद ईच अदर ओवर ऑल वेरी स्मॉल पेटी इश्यूज़। बट आई थिंक समवेयर इफ द गर्ल्स कैन लर्न हाउ टू सिट अक्रॉस एंड कम टू समथिंग गुड फॉर